देखो, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। एक सर्किल है और इसके अंदर एक कॉर्ड बना है और ये कॉर्ड सेंटर से 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। ये एंगल 90 डिग्री, ओके। और कंडीशन में दे रखा है रेडियस कितना है, तो ये वैल्यू है आपका 10 सेंटीमीटर और ये भी है आपका। आपसे एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट पूछा, मतलब इस पोर्शन का एरिया आपसे। तो यहां क्या करोगे, इस सेक्टर में से इस राइट ट्रायंगल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, नाम देते हैं ओ ए। क्लियर? क्योंकि राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो, तो यहां बेस और हाइट दोनों ही क्या है, सेम हो जाएंगे। That will be 10 into, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू थीटा, और यहां पे थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री, ओके। तो यहां पे मैंने रख दिया, कट करते हैं इसे, 9 4 36, यहां पे आर की वैल्यू पुट करते हैं और पाई की वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू यूज करना है 3.14 और रेडियस कितना दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना जगह 100 और अपॉन में 4, इसे सॉल्व करते हैं 2 5 10 और 5 10 50, तो ये -50 हो जाएगा। क्लियर है? इस पॉइंट को हटाते हैं तो ये 100 एलिमिनेट हो गया, तो ये कितना हो गया 2 2 जा, या एक साथ सॉल्व कर देते हैं, कट नहीं करते हैं इसे, इधर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 314 अपॉन में 4 -50, ये आ गया। तो ये हो जाएगा 314 -200 अपॉन में 4, ये हो गया। कितना जगह 114 अपॉन में 4, 2 से कट किए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, फिर कट किए 2 2 जा 4, ठीक है, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10, द आंसर इज 28.5 सेंटीमीटर इज योर, ओके, बैठो।